बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसे देखने में लग रहा है बहुत तेज धूप है बट हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और बज रहे हैं 11:30 and I have to get ready and go for a food review. Yes, I'm doing a food review after so long. Without wasting any time, let's get started with the vlog. So खोल लिया है यहाँ मैंने अपना मेकअप का पिटारा which is this and बस अभी हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, something very light. और क्या पहनूँगी I'm yet to figure that out. So इसलिए मैंने सोचा पहले तैयार हो जाती हूँ फिर ऊपर से पहन लूँगी जो भी पहनना है। सो मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। कौन सी लिपस्टिक लगाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक आउटफिट ही डिसाइड नहीं किया है। यार क्या पहनूं मैं, उसके हिसाब से क्या लगाऊं। आई थिंक द डेज व्हेन वी आर वेरी कंफ्यूज रेड इज द बेस्ट ऑप्शन। सो मैं क्या पहनूंगी दैट इज सेकेंडरी। आई थिंक आई अप्लाई रेड लिपस्टिक। दिस इज समथिंग दैट आई प्रिफर अ लॉट मोर देन दी आई लाइनर्स। मुझे आई लाइनर्स उतने पसंद नहीं है बट मस्कारा इज समथिंग दैट आई कॉन्ट गो विदाउट। सो मैं हमेशा आई लाइनर स्किप कर देती हूँ, स्पेशली जब मैं जल्दबाजी में मेकअप कर रही होती हूँ आई स्किप आई लाइनर्स एंड आई यूज माई मस्कारा। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। बहुत सोचने के बाद मैंने सिंपल सी जीन्स और टी शर्ट पहनी है, अब हम निकल रहे हैं, मैं बस अपना कोट डाल लूँ। सो चलो गाइस मिलते हैं फिर। हाँ बाय द वे, ये जो शूट है इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, दैट इज नॉट शूट फूड रिव्यू का। आई एम गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड रेडियो रूम। जो लोग मुझे चेन्नई से देख रहे हैं आई एम श्योर दे आर अवेयर ऑफ दिस प्लेस। इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन एंड वन ऑफ द बेस्ट रेस्टो बार इन चेन्नई एंड मैं वहाँ जा रही हूँ फॉर ब्रंच। एक्चुअली ये लंच ही हो गया, जाना तो मुझे बहुत जल्दी था बट मैंने उनसे कहा कि मैं 1 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगी एंड 1 बजने में अभी 15-20 मिनट हैं। सो आई विल रीच वेरी वेल ऑन टाइम क्योंकि घर के पास है बहुत। सो इन दिस वीडियो मैं पूरा आपको रिव्यू नहीं दिखा पाऊंगी, आई विल जस्ट शेयर सम ग्लिम्स ऑफ द प्लेस एंड फूड दैट वी एट। मैं और विपुल जा रहे हैं, ओनली 2 पीपल वर अलाउड। सो रेडियो रूम का फूड रिव्यू अलग वीडियो बनेगी उसकी, जो कि मेरे चैनल पे 2 दिन बाद आएगी, मे बी जस्ट 1 डे आफ्टर दिस वीडियो। सो उसमें आप चेक कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल जस्ट शेयर अ ग्लिम्स, दिस इज माई डेली व्लॉग एंड आई विल जस्ट शेयर अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग। वो जो वीडियो है उसमें डिटेल फूड रिव्यू होगा। सो या अब मैं निकल रही हूँ फॉर लंच, भूख भी बहुत तेज लगी है, निकलते हैं फिर। ओके बाय। गॉड मेरा ये पेड़ कैसे मुरझा रहा है, देखना इसके पत्ते क्यों ऐसे मुरझा रहे हैं। पानी दिया था इसमें परी, एक आधा कटोरी पानी डाल इसमें, इसमें परी तुलसी में नहीं डालना, बाकी में तो डाल ही सकती है। हाँ देयर इज अ न्यू फ्लावर ऑन दिस प्लांट। ये देखिए मेरे इस प्लांट में बहुत दिन बाद एक नया फूल उगा है, सो लवली। और 2 और आने वाले हैं, लवली। गॉड मुझे सडनली अभी इस स्टेयर्स उतरते समय याद आया कि मेरे तो पैर में दर्द है और मेरे से सीढ़ियाँ उतरी नहीं जा रही है। ओ गॉड, और मैं निकली तो घर से ऐसे थी जैसे मैं चंगी भली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह गॉड सीढ़ी उतरी नहीं जा रही है। ओह शिट। आ
मेरे को छोड़ के आ गए और मेरे से सीढ़ी नहीं उतरी जा रही थी। आई टोटली फॉरगॉट कि मेरे तो पैर में दर्द है। या वो तो फर्स्ट फॉरगॉट। निकल चुके हैं हम एंड इतनी तेज भूख लगी है, बट वहाँ जाते ही हम खा भी नहीं सकते बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट द इंट्रो ऑफ माई वीडियो। और मुझे लिटरली फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि मेरा आज एग्जाम है और मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। ऑनेस्टली सेइंग मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज आई एम डूइंग अ प्रॉपर फूड रिव्यू वाला वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव वर्कड विद देम बिफोर, दे हैव सीन माई वर्क बिफोर। तो मुझे ये है कि कहीं वो कंपैरिजन मोड में ना चले जाए, एंड अगर जाए तो दे शुड फाइंड मी बेटर देन बिफोर। तो बस यही वाली टेंशन है मुझे। सो चलो अभी तो ऑन द वे है और बहुत बहुत तेज भूख लगी है। बस ऐसे लग रहा है जाते ही वो मुझे पहले कुछ खाने को दे दे एंड देन आई स्टार्ट द वीडियो, बट ऐसा होने नहीं वाला है। जाते ही वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा, एक फॉर्मल टॉक होगा, उसके बाद खाना आएगा। तब तक हम सब्र रखेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। यस सो बस पहुंच जाएंगे हम, मेरे घर से बहुत पास है ये जगह। एंड मे बी आफ्टर दैट आई विल पे अ विजिट टू माय पेरेंट्स, क्योंकि बिल्कुल सोमरसेट के पीछे रहते हैं मेरे मॉम डैड, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। सो ऑन द वे हैं हम लोग। यार कोई गाना ही लगा दो। सो हियर वी आर एट द सोमरसेट होटल, और सोमरसेट के अंदर देर इज अ प्लेस कॉल्ड रेडियो रूम विच इज द रेस्टो बार, वहाँ जा रहे हैं। पहुँच गए हम, मास्क वास्क पहन ले, एंड थर्ड वेव इज हैज हिट इंडिया इज वेल। सो स्टे सेफ गाइज, अपने डबल प्रिकॉशंस रखो। आई बिलीव ट्रैवल पे भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स अब चेंज हुए हैं सैडली, बट या जहाँ भी जा रहे हो अपने सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो, कीप प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग वही जो पहले करते थे। सो चलो अब मैं चलती हूँ अंदर। बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसे देखने में लग रहा है बहुत तेज धूप है बट हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। ब्रोकन ब्रिज में यहाँ पहले आ चुकी हूँ, बट राइट नाउ वी आर हेडिंग टू रेडियो रूम। नो वैक्सीन नो एंट्री। They all will not function until for a week after January. Then Pongal comes. But Pongal is more like a traditional festival, no? So they won't come here. And they go to their natives. They travel to their natives and other places. So much to eat, what not to eat, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड एवरीथिंग वी टेस्टेड सो फार इज सुपर डिलीशियस। सो ये सारा अभी टेस्ट करना बाकी है। जो जो टेस्ट कर चुके हैं वो साइड में रख देते हैं, और जो जो टेस्ट करना बाकी है लेट दैट बी हियर। सो लंच हमारा हो चुका है और स्नीक पीक तो मैंने आपको दे ही दी थी। अब इस जगह पे बैठ के मैंने अपनी वीडियो का इंट्रोडक्शन एंड एंड कंप्लीट किया है, बिकॉज आते ही हम अंदर चले गए थे खाने, और खाना खाने के बाद अब मैंने इंट्रोडक्शन और एंडिंग शूट की है। एंड बस अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। यहाँ से मुझे मेरी मॉम का घर दिख रहा है, नॉट घर, लिटरली बिल्डिंग दिख रही है। सो विल बी हेडिंग देयर। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ समबडी इज़ हैप्पीली लाउंजिंग अराउंड, दिखाती हूँ मैं आपको। गौर से देखिए इस इंसान को, भर पेट खाना खा के कितने मज़े ले रहा है। या यू फील स्लीपी बोरा, वहाँ तुम्हारा ससुराल है विपुल। चलो चलो चलो, बच्चे वेट कर रहे हैं घर पे, फटाफट मम्मी पापा से मिलते हैं घर चलते हैं। और हाँ, मेरे को फिजियोथेरेपी भी करानी है यार आज। चलो, सो दैट बिल्डिंग दैट यू सी, वहाँ पे है मेरी मॉम का घर, मॉम डैड का। अब मैं जा रही हूँ वहाँ, और ये बचा हुआ खाना, काफ़ी सारा खाना बच गया फ्रेंड्स। इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम दोनों ने इतना खाया, नॉट एट ऑल, काफ़ी सारा खाना बच गया जो हम पैक करा के लेके जा रहे हैं।
वाई टू वेस्ट फूड एंड दिस इज द एडवाइस आई वुड गिव ऑल ऑफ यू. कहीं भी जाओ बेझिझक अपना बचा हुआ खाना पैक करवाइए या तो घर ले जाइए या किसी भी नीडी पर्सन को दे दीजिए. किसी ना किसी के तो काम आएगा देन वेस्टिंग इट. सो आई हैव गॉट इट पैक्ड एंड सो बस अब चलते हैं मॉम डैड से मिलके घर. सो मम्मी के घर से निकल रही हूँ मैं एंड आई हैव मेट देम. अब जा रही हूँ घर. बच्चे अकेले हैं घर पे और उसके बाद जाऊँगी फिजियोथेरेपी पे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के पास टू गेट द फिजियोथेरेपी डन. तो चलो गाइज घर जाके मिलती हूँ आपसे मैं. हाय गाइस. सो घर आने के बाद अब मैं पी रही हूँ एक कप चाय क्योंकि डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ दैट इज एट आफ्टर 5 ना. कितने बजे बुलाया? इट्स एट 5. सो मैंने सोचा था उससे पहले चाय पी ले. सो बज रहे हैं 4:15. चाय पी के फिर मैं निकलूँगी फॉर माई फिजियोथेरेपी. तो बस एंजॉइंग माई एक कप चाय. I'm on my way to the hospital to get my physiotherapy done. Hi friends, घर आ गई थी physiotherapy करा के and now I have to click a picture for my Instagram page. ये जो products मुझे मिले थे Mother Sparsh से सो इन सब की मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है टू अपलोड ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. देखते हैं इतने अंधेरे में पिक्चर्स कैसे आएंगी. आई डोंट नो. आई विल यूज़ द रिंग लाइट एंड अदर लाइट्स बट नेचुरल लाइट में ज़्यादा अच्छी आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी. देखते हैं पहले इसका सेटअप करती हूँ कोई जुगाड़ लगाती हूँ कि किस तरीके से मैं शूट करूँगी. आई हैव नो क्लू और मुझे ब्रांड को भेजनी है अप्रूवल के लिए. सो चलो गाइज ये कर लेते हैं पहले. गाइज डिनर हो चुका है. बज रहे हैं 8:15. सो यस गाइज डिनर हो चुका है. बज रहे हैं 8:15 अब और बस अभी 10 मिनट में निकलेंगे हम लोग एयरपोर्ट टू पिक माई सिस्टर. 8:30 उसकी फ्लाइट लैंड होती है बट हम जब बाहर लगेज वगैरह कलेक्ट करके बाहर आने में लग जाते हैं एनी हाउ 30 minutes. तो तब तक हम पहुँच जाएंगे. एयरपोर्ट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस. तो बस अभी हम निकलेंगे. आई थॉट आई लेंड दिस व्लॉग क्योंकि आते ही बहुत सारी गपशप रहेगी एंड उसमें मैं बिजी हो जाऊंगी. तो आई थॉट आई लेंड दिस व्लॉग एंड देन एयरपोर्ट जाएंगे. सो बस अभी निकल रहे हैं हम एंड होप यू लाइक वॉचिंग दिस व्लॉग एंड इफ सो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट. और हाँ नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूले बिकॉज ओनली देन यूट्यूब विल नोटिफाई यू फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज. बिकॉज तभी आप तक YouTube ये मैसेज पहुंचाएगा कि मैंने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है. सो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन. बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें. सो यस फ्रेंड्स दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. सी यू अगेन ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग. अंटिल देन टेक केयर. बाय बाय.